भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से ही दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जहाँ संकल्प है वहीं प्रकार की संपन्नता है, और जहाँ विकल्प है वहाँ आसान काम भी बहुत मुश्किल लगता है। एक बार जब संकल्प किया जाता है तो हम उस संकल्प के साथ मंजिल तक पहुँच जाते हैं, और जब बीच में विकल्प पैदा हो जाता है तो कार्य की कभी शुरुआत ही नहीं हो पाती है। आचार्य मानतम स्वामी ने दो नंबर काव्य के माध्यम से अपने भक्तांबर काव्य की शुरुआत की, ऐसी शुरुआत की कि वह शुरुआत संकल्प के साथ पूर्ण काव्य की श्रृंखला के साथ श्रृंखला को तोड़ने में कामयाब हो गई। जिनके जीवन में कार्य बीच बीच में ही रुक जाते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं काम बीच में रुक जाता है, मकान बनाना चालू करते हैं बीच में रुक जाता है, बच्चे पढ़ना चालू करते हैं किताबें खुली रहती हैं, परीक्षा देने जाते हैं लेकिन संकल्प नहीं है क्या बनना है क्या नहीं बनना है, तो पढ़ाई पूरी तो हो जाती है लेकिन वह डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर करेक्टर नहीं बन पाते। लेकिन जो बचपन से ही संकल्प लेकर के चलता है वही व्यक्ति वही बच्चा अपने शिखर को पहुंच करके सफलता को पा सकता है। जब संत आहार को निकलते हैं तो संकल्प लेकर के ही निकलते हैं। आपकी शादी हुई संकल्प के साथ हुई, कुछ मत करिए। यदि आपको व्यापार चालू करना है तो सबसे दो सुपारी लीजिए और पीले कपड़े के ऊपर रखिए, हल्दी कुमकुम उस पर छोड़ते जाइए और भक्तांबर का दो नंबर का दिया यस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटो भी सुरलोकनाथ स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तयरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। इस प्रकार से आप हल्दी कुमकुम को उस पर छोड़ते जाइए और इस काव्य को पढ़ते जाइए और फिर इसकी पोटली बना लीजिए। जहाँ पर आप सोते हैं उस कमरे की अलमारी में आप इसको स्थापित कर दीजिए। रात को सोने के पहले इस काव्य को पढ़िए और विचार कीजिए कि मेरा काम हो गया, अब मैं सफल हो गया। इसके बाद देखिए दो नंबर काव्य है, आपको दो ही बजे पढ़ना है करेक्ट, जैसे अंधेरे में रात के 2 बजे, इसके बाद दोपहर के 2 बजे, क्योंकि दो नंबर काव्य है आपके जीवन में चंद्रमा को मजबूत करने वाला काव्य दो नंबर है, और मन की स्थिरता को रखने के लिए दो नंबर काव्य है, क्योंकि स्वयं यह काव्य आपसे कह रहा है हे प्रभु आप तो संपूर्ण ज्ञान के धारी हैं, आपकी स्तुति भक्ति आपका कीर्तन स्वर्ग के देवों के द्वारा किया जाता है, और मैं भी स्तोत्रयी जगत त्रितय चित्त हरि रुदारी, यह स्तोत्र जगत के चित्त को हरने वाला है, इसी भावना के साथ ही प्रभु मैं भी संकल्प के साथ किसके सामने प्रथमम जिनेन्द्रम प्रथम तीर्थंकर के सामने संकल्प करके इस काव्य को पूर्ण करता हूँ। आप इस भाव के साथ संकल्प के साथ यह काव्य पूरा करें। नमो अरिहंताड़ में अंगूठे से नमोस्तु करें, नमो सिद्धाड़म से तर्जनी से नमोस्तु करें, नमो आयरियाड़म में मध्यमा से नमोस्तु करें, नमो वज्झाड़म में अनामिका से नमोस्तु करें, और नमो लोए सब सवर्णों से इसका निष्ठा से नमोस्तु करें, और ओम राम रीम रूम रोम ब्रह अस्य उस नमः। मम कार्य सिद्धिर भवतु, मम कार्य सिद्धिर भवतु, मम कार्य सिद्धिर भवतु, मेरा कार्य सिद्ध हो गया, मेरा कार्य सिद्ध हो गया, मेरा कार्य सिद्ध हो गया। चेहरे पर आनंद हो, उत्साह हो, उमंग हो, इस भावना के साथ यह काव्य आप पूरा करेंगे, मुझे विश्वास है। जैसे मानतुंग आचार्य का संकल्प पूरा हुआ आपका सपना भी पूरा होगा, क्योंकि जहाँ श्रद्धा है वहाँ हर कार्य का समाधान आपके पास है। छोटा सा मंत्र है, ओम रीम अरहम नमो ओहि चिनाणम।
मैं उन अवधिज्ञ यानी महर्षि के चरणों में नमन करते हुए अपने कार्य की सफलता का आशीर्वाद चाहता हूँ। इस प्रकार के साथ आप इस काव्य की आराधना करेंगे। मुझे विश्वास है जो आपका काम 99% होकर के रुकता था अब वह नहीं रुकेगा और आप पूर्ण सफलता को प्राप्त होंगे। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। ओम नमः शिवाय।